सीरियल 51 में आज लीला दादी ने शुरू की है एक नई खुराफात। जी हाँ, आज लीला दादी पहुंच गई हैं सुशील और सत्या के कमरे में और आज वो छिप छिप कर खींच रही हैं सत्या की फोटोज, वो भी एक मकसद से। अब वो कौन सा मकसद है, आइए लीला दादी से ही जानते हैं। दिमाग में ये चल रहा है कि सत्या के लिए एक नई लड़की ढूंढनी है और उससे शादी करवानी है उसकी। तो सुना आपने, वैसे लीला दादी फोटोज क्लिक कर ही रही होती हैं तभी आ जाती है झन्नो और वो भी सुशील की नजरों से लीला दादी को बचाने के लिए। भाई लीला दादी से सत्या की इस तरह फोटोज क्लिक करने का राज भी जान लेते हैं। मैंने एक ऐड देखी है, वो वैवाहिक जो रिश्ते करवाते हैं तो उसमें मैं ऐड देने वाली हूँ। मैं मींस लीला ऐड देने वाली है सत्या के लिए कि हाँ, हमारा सत्या आज मेरा अवेलेबल है लड़कियों के लिए, उसके लिए रिश्ते आए और हम उसकी शादी कर दें जो भी अच्छी लड़की नजर आएगी। क्या हुआ झन्नो, आज तो दादी सुशील के हाथों पकड़ी जाती लेकिन दादी बाल बाल बच गईं। क्या लगता है दादी कि आप सुशील की नजरों से आज की ही तरह हमेशा बच जाएंगी? सुशील से बच पाएंगे तो स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी? ये तो चूहे बिल्ली की तरह है, कभी वो आगे हम पीछे, हम आगे वो पीछे। आज बच गई लेकिन जल्दी फिर से उसके शिकंजे में आने वाली हूँ, तो ऐसे ही रोलर कोस्टर की तरह ये स्टोरी आगे बढ़ने वाली है। ओह, तो ये बात है। वेल, सुशील का ध्यान कहीं और ना जाए इसलिए झन्नो ने सुशील को अपनी बातों में उलझा दिया। हाँ हाँ, मैंने आपकी आईब्रोज ठीक की थी पर इस बात को तो बहुत टाइम हो गया, आप अब क्यों थैंक यू बोल रहे हो? हाँ, अपना दादी जी भी ठीक हो गई है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वो ना तो आपकी आईब्रोज को कुछ करेंगी ना आपको और परेशान करेंगी। वैसे आपको बता दें कि सुशील की नजरों से आज दादी दो बार बची, एक बार तो झन्नो ने बचा लिया, दूसरा ये कि दादी ने भूल से कमरे में इश्तियार की पर्ची छोड़ दी और सुशील की उस पर नजर पड़ते पड़ते नहीं पड़ी। वैसे दादी भी ना कमाल के प्लान्स करती हैं लेकिन सुशील भी कम नहीं है, आज नहीं तो कल दादी को रंगे हाथों पकड़ जरूर लेंगी। मुंबई से अक्षय अगवानी सिद्दीकी, E24।